Hello children, in this video we will do NumPy array slicing. What is array slicing? Array slicing hota kya hai? Array slicing refers to the process of extracting a subset of elements from an existing array and returning the result as another array, possibly in a different dimension from the original. So, what is array slicing? Array slicing क्या है? Array slicing एक process है जिसमें हम एक array के, एक existing array के जो पहले से बना हुआ array उसके elements निकालते हैं, okay? और वो elements एक दूसरा array create करते हैं, right? Okay? A slice represents a part or piece of array. So, what is slice? Slice क्या होता है? ये किसी भी एरे का क्या होता है? पार्ट होता है, राइट? या उसका पीस होता है, ओके? सो एरे स्लाइसिंग इज व्हाट, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक पहले से बने हुए एरे में से एलिमेंट्स निकाल के एक दूसरा एरे क्रिएट करते हैं, राइट? नाउ वी हैव स्लाइसिंग इन 1D एरे. 1D एरे में हम लोग स्लाइसिंग कैसे करेंगे? हियर वी हैव द सिंटैक्स array name, start, stop and step, right? So first we will give the array name, okay? And we will give the starting value, kahan se start karna hai, stop value, kahan pe stop karna hai and step value, right? Kyun, kaise chalega, one by one chalega, ya two elements skip karke chalega, ya three elements skip karke chalega, so when start, stop or step values are not specified, then Python will assume their default values as. अगर आप start, stop और step values नहीं देते हो, तो Python क्या करता है? अपने default values देता है. तो start की default value क्या है? If you will not specify start value, अगर आप start value नहीं देते हो, तो आपका array कहाँ से start करेगा? Zero index से start करेगा, right? स्टॉप कहाँ से करेगा? जितना आपका एरे का साइज है, फाइन, वहां पे स्टॉप करेगा, मतलब लास्ट एलिमेंट पे स्टॉप करेगा. एंड स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है? वन होती है. मींस जो एरे एलिमेंट्स हैं वो कैसे एक्सेस होंगे? वन बाय वन होंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकेंड एलिमेंट, देन थर्ड एलिमेंट, लाइक दिस, ओके? नाउ अब हम एग्जाम्पल लेंगे 1D एरे का. फाइन, 1D एरे का एग्जांपल लेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया है? इंपोर्ट numpy as np. सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया numpy लाइब्रेरी को, ओके? एंड व्हाई वी इंपोर्ट numpy लाइब्रेरी? numpy लाइब्रेरी हम क्यों इंपोर्ट करते हैं? बिकॉज़ numpy लाइब्रेरी कंटेन्स फंक्शंस व्हिच हेल्प्स इन क्रिएटिंग द numpy एरेस, ओके? तो यहां पे हमने numpy लाइब्रेरी का एक नेम रखा है np. Fine, this is np, okay? And numpy library के array function को use किया है हमने यहाँ पर, okay? And इस array function में हमने एक list को pass कर दिया, fine? अब क्या है? Array function क्या करेगा? Array function will convert this list into an array, okay? Okay? ये मैंने आपको पहले वाली videos में बताया है कि कैसे arrays create होते हैं, right? तो यहाँ पे AR क्या बन जाएगा? AR हमारा बन जाएगा array, fine, okay? Then first हमने step क्या किया? Print array, simply हमने array को print करा दिया. तो आप यहाँ पे देखो, हमने array को print करा दिया और it is in the output you can see the indexing also. यहाँ पे हम indexing आप देख सकते हो, forward indexing 0, जो आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है? फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0 इंडेक्स पर होता है, फाइन, देन 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होता है? बैकवर्ड इंडेक्सिंग आपका लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है, -1 से स्टार्ट होता है. ये इंडेक्सिंग वाली वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ, राइट? लेकिन वन मोर टाइम आई एम मेकिंग यू रिमेम्बर दिस, ठीक है? तो यहाँ पे -1, -2, -3, तो दिस इज आवर एरे. तो हमने ये एरे क्रिएट कर लिया सबसे पहले,
अब हम क्या करेंगे, इसमें से स्लाइसेस निकालेंगे, इसकी इस एरे के पार्ट्स निकालेंगे. फाइन, अब देखो हमने फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, प्रिंट ए आर एरे नेम, ए आर इज द एरे नेम. ओके, एंड यहाँ पे क्या दिया है, स्टार्टिंग वैल्यू 3 एंड एंडिंग वैल्यू 7. स्टेप वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या है, 1. तो ये कैसे चलेगा, 1 by 1 एलिमेंट्स एक्सेस करेगा. ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना है क्या होता है, एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज -1, राइट. ओके, हमेशा एंडिंग वैल्यू क्या होती है, -1 होती है. ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो ये क्या क्या करेगा, इट विल एक्सट्रैक्ट 1D स्लाइस फ्रॉम इंडेक्स 3 टू इंडेक्स 7 -1, दैट इज 6. तो आपको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगी इंडेक्स 3 से लेकर इंडेक्स 6 तक, राइट. जब आप ऐसे रेंज लेते हो, ओके, वहां पे स्टॉप वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 होती है. फाइन, ओके. अब यहाँ पे देखो इंडेक्स 3 पे हमारा क्या है, 8 है. ओके, इंडेक्स 3 पे हमारा 8 है. ओके, तो आपका यहाँ पे देखो इंडेक्स 3 से स्टार्ट हुआ, 8 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया है, 6 तक गया है. फाइन, आपकी स्लाइस कहाँ से बनी, कहाँ से कहाँ तक बनी है, इंडेक्स वैल्यू 3 से लेकर इंडेक्स वैल्यू 6 तक. ओके, देन आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट ए आर. ओके, अब यहाँ पे क्या है, प्रिंट ए आर, ए आर इज द नेम ऑफ द एरे. ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है. ओके, एंड आपकी एंडिंग वैल्यू दी है. तो अगर आपकी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं होती है तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका एरे कहाँ से स्टार्ट करता है, 0 इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करता है. तो आप देखो, एक्सट्रैक्ट 1D स्लाइस फ्रॉम 0, फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स 5 -1, एंडिंग वैल्यू -1. तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये 0 इंडेक्स से लेकर कहाँ तक चलेगा, 4 इंडेक्स वैल्यू तक चलेगा. तो अब आप यहाँ पे रिजल्ट में देखो, ये 0 से स्टार्ट, यहाँ पे वैल्यू आई 0 इंडेक्स की वैल्यू से लेकर कहाँ, कौन सी वैल्यू तक आई है, 4 इंडेक्स की वैल्यू तक आई है. फाइन, ओके, देन नेक्स्ट. अब हम देखेंगे यहाँ पर दिस एग्जांपल, प्रिंट ए आर 4. अब इसके अंदर क्या है, हमने स्टार्टिंग वैल्यू तो दी है 4 इंडेक्स एंड एंडिंग वैल्यू नहीं दी है. तो बाय डिफॉल्ट एंडिंग वैल्यू क्या होती है, एंड ऑफ द इंडेक्स, मतलब लास्ट एलिमेंट ऑफ द इंडेक्स. तो ये कहां से कहां तक एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट 1D स्लाइस फ्रॉम इंडेक्स 4. ठीक है, कहां से स्टार्ट करेगा, इंडेक्स 4 से लेकर स्टार्ट करेगा और लास्ट वैल्यू तक, टू द एंड करेगा. ठीक है, तो देखो 4 इंडेक्स से इसने स्टार्ट किया और कहां तक ले गया, लास्ट इंडेक्स तक, दैट इज 7. यहां पे आप एरे में देख सकते हो एरे कहां से कहां तक है, 0 इंडेक्स से लेकर 7 इंडेक्स तक है. फाइन, इसलिए आपको एरे यहां पे बनाया बना के दिखाया हुआ है. फाइन, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, प्रिंट ए आर, ए आर इज द एरे नेम. ओके, फाइन, एंड देन यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा. एंडिंग इंडेक्स आपने क्या दिया है, -1. फाइन, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, देखो एक्सट्रैक्ट 1D स्लाइस फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स -1 -1, क्योंकि हमारा एंडिंग इंडेक्स हमेशा क्या होता है, -1 होता है. तो यहाँ पे -1 -1 क्या हो गया, -2. फाइन, अब हम यहाँ एरे में देखेंगे, देखो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 इंडेक्स से होगा और एंड कहाँ पे हुआ, -2 पे हुआ, राइट. अब एरे के अंदर देखो आप यहाँ पे 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, 2 1 पे 4, 2 इंडेक्स पे 6, देन 3 पे 8, 4 पे 10, 5 पे 12, 6 पे 14, और 14 का नेगेटिव इंडेक्स क्या है, -2, राइट. तो ये कहां से कहां तक चला, ये चला 2 से लेकर 14 तक. फाइन, ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, ए आर, ओके, एरे नेम
राइट अब यहाँ पे भी स्टार्टिंग इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं है, एंडिंग इंडेक्स क्या है माइनस टू, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला, माइनस टू माइनस वन, बिकॉज हम हमेशा एंडिंग इंडेक्स को क्या करते हैं माइनस वन करते हैं, और माइनस टू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस थ्री, फाइन। तो अब आप यहाँ पे देखो ये कहाँ से कहाँ तक चला है, जीरो इंडेक्स से लेकर कौन से इंडेक्स तक चला है, ये माइनस थ्री इंडेक्स तक ये चलेगा। आप एरे में भी देख सकते हो माइनस थ्री इंडेक्स पे क्या है, ट्वेल्व है, फाइन, माइनस थ्री इंडेक्स पे आपका ट्वेल्व है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, फाइन। अब आपका स्टेटमेंट क्या है, ए आर एरे नेम, ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स आपको नहीं दिया है और एंडिंग इंडेक्स क्या है माइनस थ्री, तो स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट वन डी स्लाइस फ्रॉम इंडेक्स जीरो टू इंडेक्स माइनस थ्री माइनस वन क्या हो गया माइनस फोर, फाइन। तो आप अभी यहाँ पे देखो ये जीरो से आपका स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया है माइनस फोर तक, ओके। अब आप इधर अपने एरे में देख सकते हो जीरो इंडेक्स आपका यहाँ से है जिस पे टू वैल्यू है और माइनस फोर, दिस इज योर माइनस फोर जिस पे क्या है टेन वैल्यू है, फाइन। अब आप नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ए आर इज द एरे नेम, ठीक है, हमने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी है टू, एंडिंग वैल्यू दी है सेवन, एंड स्टेप वैल्यू क्या दी है टू, ओके। तो ये कैसे वर्क करेगा, इट विल एक्सटेंड वन डी स्लाइस फ्रॉम इंडेक्स टू, कहाँ से स्टार्ट होगा इंडेक्स टू से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा इंडेक्स सिक्स तक, ठीक है, सेवन माइनस वन सिक्स, पिकिंग एवरी सेकेंड एलिमेंट, और कैसे चलेगा एवरी सेकेंड, जितने हर एक सेकेंड एलिमेंट को पिक करता हुआ, कैसे मैं आपको ये समझाती हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपने अगर हम एरे में देख लें तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा इंडेक्स टू से, फाइन, इंडेक्स टू डेट इज सिक्स, तो सबसे पहले आपका सिक्स आएगा, आपने देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहले सिक्स आया, फाइन। उसके बाद सिक्स के बाद हमारा क्या है, हमने स्टार्ट किया वन एंड देन टू, तो हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या है टेन, ओके, ठीक है, हमने सिक्स को एक्सेस किया, देन हमने स्टार्ट किया वन एंड देन टू, अब यहाँ पे टेन क्या है हमारा, सॉरी टेन क्या है हमारा सेकेंड एलिमेंट है, फाइन। तो आपका वैल्यू आ गई टेन, राइट। अब हमने किया नेक्स्ट एलिमेंट वन, ओके, ट्वेल्व इज यहाँ पे ट्वेल्व क्या है वन, और हमने कौन सा पिक किया सेकेंड एलिमेंट दैट इज फोर्टीन, ठीक है, अब हमने फोर्टीन को पिक किया फोर्टीन, फाइन, ठीक है, क्योंकि हमारी स्टेप वैल्यू टू है तो हमें एवरी सेकेंड एलिमेंट को पिक करना है, फाइन, ओके। तो और ये इंडेक्स वैल्यू कहाँ तक जानी है, स्टॉप वैल्यू क्या है हमारी सिक्स है, तो यहाँ पे सिक्स पे जाके स्टॉप हो जाएगा, फाइन। तो आपका रिजल्ट क्या आया है सिक्स टेन एंड फोर्टीन, फाइन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्लाइसिंग इन टू डी एरे, टू डी एरे में स्लाइसिंग कैसे होती है, फाइन। अब टू डी एरे में आपका सेम सिंटेक्स है बट थोड़ा सा डिफरेंस है एरे नेम, फाइन। सबसे पहले आप रो का डायमेंशन दोगे, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू, ओके। उसके बाद आप कॉलम का डायमेंशन दोगे, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू, राइट, ओके। लाइक वन डी एरे स्लाइसेस व्हेन नॉट स्पेसिफाइड, स्टार्ट टेक्स डिफॉल्ट जीरो, स्टॉप टेक डायमेंशन साइज एंड स्टेप टेक डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वन। तो जैसे वन डी एरे में होता है, अगर आप स्टार्टिंग, स्टॉप एंड स्टेप वैल्यूज नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट एरे कहाँ से स्टार्ट करेगा, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, स्टॉप कहाँ पे करेगा, लास्ट एलिमेंट पे स्टॉप करेगा,
एरे के लास्ट एलिमेंट पे स्टॉप करेगा और स्टेप वैल्यू क्या होगी, वन, मींस इसके एलिमेंट्स एक्सेस होंगे वन बाय वन। फाइन, अब यहाँ पे देखो पिक्चर मैंने दी है 2D एरे की। ओके, एक्सेस जीरो हमारा कौन सा होता है, रो एक्सेस होता है। ओके, ये आपका रो एक्सेस है, यहाँ पे आपके आपने इंडेक्सिंग करी जीरो वन एंड टू, ये आपकी क्या है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, आप लास्ट एलिमेंट से करोगे, लास्ट रो से करोगे, नॉट एलिमेंट, लास्ट रो से करोगे, माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस थ्री। ओके, इन द सेम वे वी हैव कॉलम हेयर। ओके, पॉजिटिव इंडेक्सिंग जीरो वन एंड टू एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस थ्री। फाइन, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे स्लाइसिंग इन 2D एरे। ये 2D एरे में आपका स्लाइसिंग कैसे होगा, सबसे पहले आपने क्या किया, इंपोर्ट किया numpy लाइब्रेरी को, राइट, क्योंकि हमें क्या बनाने हैं, numpy एरेस क्रिएट करने हैं, उसमें से स्लाइसेस निकालने हैं। ओके, तो numpy लाइब्रेरी के एरे फंक्शन को यूज किया हमने, उसके अंदर हमने लिस्ट पास की विच इज हैविंग मल्टीपल लिस्ट इनसाइड इट। तो एक लिस्ट जिसके अंदर मल्टीपल लिस्ट होती है वो क्या क्रिएट करती है, वो 2D एरे या ND एरे, मतलब 3D एरे लाइक दिस ऐसे क्रिएट करती है। फाइन, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर मल्टीपल लिस्ट पास कर दी, अब हमने एरे को प्रिंट करा दिया। ओके, अब आप यहाँ पे देखो रिजल्ट में आपका ये 2-डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया है। 2-डायमेंशनल व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग 2 एक्सेस, 0 एक्सेस दैट इज रो एक्सेस एंड 1 एक्सेस दैट इज कॉलम एक्सेस, राइट, इसके 2 एक्सेस है, ये हमारा एरे क्रिएट हो गया, 2D एरे क्रिएट हो गया। अब हमने स्टेटमेंट दिए प्रिंट AR एरे नेम। फर्स्ट डायमेंशन हम किसके लिए स्पेसिफाई करते हैं, रो के लिए स्पेसिफाई करते हैं, मतलब रो कहाँ से स्टार्ट हो, फर्स्ट रो से स्टार्ट हो, फाइन, और कहाँ तक चले, 3-1 दैट इज रो 2, फाइन, एंड आपका कॉलम, कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो, थर्ड कॉलम से स्टार्ट हो और कहाँ तक, किस कॉलम तक जाए, 5-1 दैट इज फोर्थ कॉलम तक। ठीक है, यहाँ पे देखो द 2D स्लाइस विद रोज फ्रॉम इंडेक्स 1 to 2, ठीक है, कौन सी रोज आएंगी, इंडेक्स 1 और 2 वाली रोज आएंगी और कॉलम्स कौन से आएंगे, इंडेक्स 3 एंड 4, राइट। तो अब यहाँ पे आप रिजल्ट में देखो, ये आपका रिजल्ट है, आपकी रोज आई है इंडेक्स 1 एंड 2 और कॉलम्स कौन से आए हैं, इंडेक्स 3 एंड 4। तो इंडेक्स 1 ये है हमारा रो, इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 और कॉलम 3, कॉलम 3, कॉलम 3 दिस 18 एंड 28 और यहाँ पे 4 कॉलम 20 एंड 30। फाइन, तो आपने ऐसे करके क्या किया है, 2D एरे से अपना स्लाइस निकाला है। फाइन, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर ये आपका एरे नेम है AR। ओके, अब आपकी क्या है, यहाँ पे हमने रो डायमेंशन तो दिए हुए हैं और कॉलम डायमेंशन नहीं दिए हैं। फाइन, तो रो कहाँ से स्टार्ट होगी, रो इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगी और इंडेक्स 2 तक जाएगी, बिकॉज 3-1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो द 2D स्लाइस विद रोज फ्रॉम इंडेक्स 1 to 2, राइट, एंड ऑल कॉलम्स, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम्स के लिए डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो क्या होगा, सारे के सारे कॉलम्स आपके एक्सेस होंगे। फाइन, ओके, अब यहाँ पे आप लुक एट दिस, ये आपका क्या है, रिजल्ट है। तो आपकी रोज कौन सी आई हैं, 1 and 2, राइट, और इंडेक्स आपके सारे आए हैं 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, फाइन। अब वी हैव नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट AR, AR इज द एरे नेम। फाइन, अब रो इंडेक्स में क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है एंड एंडिंग वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा, इट विल एक्सेस ऑल द रोज, सारी की सारी रोज आपकी एक्सेस होंगी और कॉलम्स कौन से एक्सेस होंगे, कॉलम 3 से लेकर कॉलम 4 तक, राइट, 3 और 4, बिकॉज 5-1 दैट इज 4। फाइन, अब हम यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे देखो रोज आपकी सारी अपीयर हुई हैं 0, 1, 2 एंड 3। फाइन,
और कॉलम आपके कौन से अपीयर हुए हैं, थ्री एंड फोर। फाइन, कॉलम आपके थ्री एंड फोर अपीयर हुए हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे एरे। ठीक है, रो कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, वन से स्टार्ट होगी। ठीक है, कहाँ तक चलेगी, फोर माइनस वन दैट इज थ्री, एंड स्टेप वैल्यू यहाँ पर क्या है, टू। तो क्या होगा, इट विल पिक एवरी सेकेंड रो। ठीक है, ये आपकी कौन सी क्या करेगी, सेकेंड रो, एवरी सेकेंड रो को पिक करेगी। ऐसे ही यहाँ पर आपका कॉलम स्टार्ट होगा वन से, और कौन से कॉलम तक जाएगा, फोर्थ कॉलम तक जाएगा, फाइव माइनस वन फोर, और इट विल पिक एवरी थर्ड कॉलम। फाइन, अब यहाँ पे आप देखोगे इंडेक्स में, पहले हम यहाँ पे देखते हैं एरे, जो हमने एरे बनाया हुआ है, एरे जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, आपकी फर्स्ट रो ये क्या पिक करेगा, आपकी फर्स्ट रो पिक करेगा। फाइन, ओके, एंड देन क्या होगा, वन एंड टू। ओके, तो ये आपकी थ्री इंडेक्स वाली क्या है, सेकेंड रो। तो आपकी दो रोज यहाँ पे आएंगी, वन इंडेक्स वाली एंड थ्री इंडेक्स वाली। फाइन, ओके, तो आप देखो यहाँ पे आपकी रोज जो आई हुई है, एक तो वन इंडेक्स पर है, वन इंडेक्स, एंड एक आपका क्या है, इंडेक्स थ्री। ओके, ऐसे ही कॉलम आपका कहाँ से हो स्टार्ट होगा, वन, कॉलम आपका देखो वन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, फोर तक जाएगा, और कौन सा, अब कौन सा कॉलम आपको पिक करना है, थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम क्या है, वन टू थ्री, फोर इंडेक्स वाला क्या है आपका, थर्ड कॉलम है। ओके, सो इन दिस वे यहाँ पे हमारा इंडेक्स आया वन एंड फोर। फाइन, तो ये आपकी स्लाइस बन गई। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। ए आर क्या है आपका, एरे नेम है। ओके, यहाँ पे आपने दिया हुआ है रो, रो इंडेक्स, रो आपका कहाँ से स्टार्ट करेगा, टू से स्टार्ट करेगा। ओके, एंड देन आपका क्या है, माइनस वन, एंडिंग वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो माइनस वन दैट इज माइनस टू। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, और कॉलम इंडेक्स आपने स्पेसिफाई नहीं किए तो क्या होगा, सारे कॉलम अपीयर करेंगे, सारे कॉलम एक्सेस कर सकते हो आप। अब यहाँ पे आप देखेंगे, हम एरे के अंदर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एरे पे जाएंगे, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, इंडेक्स वैल्यू, रो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करेगा, इंडेक्स टू। फाइन, इंडेक्स टू पर आपका स्टार्ट करेगा। ओके, एंड कहाँ तक चलेगा, माइनस टू तक चलेगा। फाइन, माइनस टू तक चलेगा। सी, तो जो आपकी क्या है, टू और माइनस टू दोनों सेम रो है। फाइन, इधर देखो, जैसे टू, अगर आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग करेंगे तो जहां पे थ्री है वहां पे क्या आएगा आपका, माइनस वन आएगा, राइट, और जहां पे टू है वहां पे क्या आएगा, माइनस टू आएगा। ओके, तो ये हमारी सेम रो अपीयर करेगी, 22, 24, 26, 28 एंड 30। फाइन, ओके, सी, आई वॉन्ट टू शो यू, सी यहाँ पे क्या है, माइनस वन, सॉरी दिस इज योर माइनस वन। ओके, एंड दिस इज योर माइनस टू, तो आपका क्या है, टू और माइनस टू सेम रो इंडेक्स है। ठीक है, तो आपकी सिंपल वन रो एक्सेस करेगी और सारे कॉलम्स एक्सेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट
हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलेंगे। यहाँ पर आपका ये एआर क्या है, एरे नेम है, फाइन ओके। और आप कहाँ से रो स्टार्ट करोगे, वन से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे, माइनस थ्री तक जाओगे, क्योंकि माइनस टू माइनस वन दैट इज माइनस थ्री। एंड कॉलम्स आपके स्पेसिफाई नहीं हुए तो सारे कॉलम्स आपके एक्सेस करेंगे, फाइन। अब तो यहाँ पे हम देखेंगे सी रो इंडेक्स वन ओके एंड रो इंडेक्स माइनस थ्री क्या है, सेम रो इंडेक्स है ओके। अब आप यहाँ पे एरे पे देखो, एरे में क्या है, सेम इंडेक्स है यहाँ पर, वन और माइनस थ्री क्या है, सेम इंडेक्स है, फाइन। तो आपकी क्या होगी, ये सिंपल वन रो आप एक्सेस करोगे, ठीक है, इसका स्लाइस निकलेगा आपका सिंपल दिस रो का ओके फाइन। और इसमें कॉलम सारे आपने ले लिए ओके। अब नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट क्या है, ए आर। अब रो डायमेंशन नहीं दिए हैं तो सारी रोज आपकी एक्सेस होंगी, और कॉलम डायमेंशन क्या है, वन से स्टार्ट होगा माइनस टू पे फिनिश होगा। तो वन से, वन कॉलम से स्टार्ट होगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री कॉलम पर ये क्या होगा, स्टॉप होगा। तो अभी हम रिजल्ट में देखेंगे, रोज देखो हमारी सारी रोज कंप्लीटली यहाँ पे अपीयर कर रही हैं ओके। और कॉलम क्या है, वन से स्टार्ट हुआ है और माइनस थ्री पर स्टॉप हुआ है ओके। वन से स्टार्ट होके माइनस थ्री पे स्टॉप हुआ है। आप यहाँ पे भी देखो एरे के अंदर माइनस थ्री कहाँ पर है, जहां पे आपका इंडेक्स क्या है, टू, फाइन। जहां पे आपका इंडेक्स टू है वहीं पे आपका माइनस थ्री इंडेक्स है कॉलम का, फाइन। तो यहाँ पे आपके दो इंडेक्स, दो कॉलम्स अपीयर करेंगे, वन एंड टू, फाइन। नेक्स्ट, अब हमारी स्टेटमेंट है ईयर थ्री ओके सिंपल। तो यहाँ पे सिंपल हमने थ्री दिया हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग है, द टू डी स्लाइस विद रो थ्री। यहाँ पे क्या होगा, रो जो इंडेक्स थ्री है ओके वो वाली रो अपीयर करेगी और सारे कॉलम्स अपीयर करेंगे, सिंपल राइट। तो हमने क्या यहाँ पे रिजल्ट में देखो, कौन सी रो अपीयर हुई है, जो जिस कौन सी रो का स्लाइस बना है, रो एट इंडेक्स वैल्यू थ्री थ्री एंड ऑल द कॉलम्स, फाइन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट ए आर। स्टार्टिंग में देखो कॉलम दिया हुआ है, तो क्या है, सारी स्टार्टिंग रो की रो डायमेंशन में स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है, एंडिंग वैल्यू नहीं है, तो सारी रोज आपकी क्या करेंगी, अपीयर करेंगी, ठीक है। एंड देन कॉलम क्या दे दिया आपने, सिंपल टू, तो आपका कॉलम कौन सा आएगा, ओनली कॉलम टू राइट। आपका कौन सा कॉलम आएगा, ओनली कॉलम टू। तो अब यहाँ पे आप देखो आउटपुट के अंदर क्या है, रोज सारी आपकी अपीयर करी है, जीरो वन टू थ्री, ठीक है, और कॉलम आपका कौन सा अपीयर हुआ है, कॉलम टू, फाइन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट ए आर थ्री, ठीक है। अब सिंपल आपका एक ही दिया हुआ है थ्री, दैट मीन्स रो थ्री, रो एट इंडेक्स थ्री ओके। एंड कॉलम्स में क्या दिया हुआ है, कॉलम्स में स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है, एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है, स्टेप वैल्यू क्या दिया है, माइनस वन। तो अगर माइनस वन स्टेप वैल्यू होती तो क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिवर्स्ड हो जाते हैं ओके, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, फाइन। तो आप रिवर्स ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स चलेंगे यहाँ पर। तो इसका रिजल्ट आप देखो, आपकी रो थ्री आएगी, ठीक है, रो इंडेक्स आपका थ्री आएगा, तो ये आपकी थ्री रो इंडेक्स आया है, फाइन। और रिवर्स ऑर्डर में आपका चलेगा, इंडेक्स वैल्यू फोर थ्री थ्री टू वन एंड जीरो ओके। अब पीछे से आपका इंडेक्स चल रहा है, तो आपका एक्सेस हुआ है 40, 38, 36, 34 एंड 32, फाइन। तो ये आपका रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस हुआ है एरे ओके, एंड इट विल एक्सेस ऑल द कॉलम्स ऑफ रो थ्री बट इन रिवर्स ऑर्डर, फाइन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एरे
रो डायमेंशन क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है और एंडिंग वैल्यू 3 है, तो रो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर 3 - 1 दैट इज 2, ठीक है, 0, 1 एंड 2, फाइन। और कॉलम्स में क्या है, वही स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू नहीं दिए, ओके, एंड स्टेप वैल्यू क्या दिए, -1, तो क्या होंगे, एलिमेंट्स अपीयर होंगे रिवर्स ऑर्डर में, फाइन। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसको, रोज हमारी कौन कौन सी आई, 0, 1 एंड 2 रोज हमारी आई है, 0, 1 एंड 2, और देखो कॉलम्स हमारे अपीयर होंगे, सारे कॉलम्स अपीयर होंगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, तो पहले 4 आएगा, 4 इंडेक्स का कॉलम आएगा, फिर 3 इंडेक्स का कॉलम आएगा, फिर 2 इंडेक्स का कॉलम आएगा, देन 1 का आएगा एंड देन 0 का आएगा, राइट। तो कॉलम सारे के सारे अपीयर होंगे बट वो रिवर्स ऑर्डर में अपीयर होंगे, फाइन, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ए आर, ओके, रो डायमेंशन में स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, 0, और कहाँ पे एंड करेगा, 2 पे एंड करेगा, 3 - 1 दैट इज 2, और आपका कॉलम क्या दिया हुआ, स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं दिया हुआ है, तो कॉलम सारे अपीयर करेंगे लेकिन आपको क्या करना है, -2 दिया हुआ है तो क्या होगा, इट विल पिक एवरी सेकेंड कॉलम इन रिवर्स ऑर्डर, ओके, रिवर्स ऑर्डर में एवरी सेकेंड कॉलम को ये पिक करेगा, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे रोज आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक अपीयर हुई है रोज, और कॉलम्स आपके क्या है, रिवर्स ऑर्डर से स्टार्ट होंगे, तो 4 आपका लास्ट है तो 4 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एवरी सेकेंड उठाना है तो 3, 4 के बाद क्या आता है, 3 आता है एंड देन 2, 2 आपका क्या हो गया, सेकेंड इंडेक्स, तो आपने 2 को पिक किया, देन आपका क्या आया, 1 एंड देन 0, 0 आपका अगेन क्या हो गया, सेकेंड कॉलम इंडेक्स, तो आपका 0 अपीयर हुआ, राइट। तो 4, 2 एंड 0 ये आपके क्या हुए, कॉलम इंडेक्सेस, ओके। अब हम देखेंगे वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग स्लाइसिंग। जो हमारे पास एरे बनता है स्लाइसिंग बनाने के बाद, ठीक है, जो एक न्यू एरे बन के आता है, हम उसके एलिमेंट्स में भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका एक प्रोग्राम है जिसमें आप देखेंगे कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले आपका स्टेटमेंट है इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, आपने क्या किया, नमपाई को इम्पोर्ट किया लाइब्रेरी को, फिर हमने एक एरे क्रिएट किया है 2D एरे, राइट, बाय पासिंग द लिस्ट इन एरे फंक्शन, फाइन। एरे फंक्शन से आपने लिस्ट को, अपने एरे को क्रिएट किया, राइट, वो एरे क्या बन गया, ए, एरे ए, फाइन, एरे, दिस इज योर एरे ए, फाइन। अब हमने क्या किया, एरे की स्लाइसेस ली और उसको बी में आपने डाल दिया है, तो एरे की स्लाइसेस हमने क्या ली, ये 0 रो हो और ठीक है कहां तक चले, 1 रो तक, 2 - 1, 1, ठीक है, तो आपके अंदर आपके यहाँ पे देखो 2 रोज आएंगे 0 एंड 1, फाइन। और कॉलम्स कहाँ से कहाँ तक हो, 1 कॉलम से लेकर 2 कॉलम तक, बिकॉज 3 - 1 दैट इज 2, तो 2 कॉलम्स आए आपके, ठीक है। अब हमने इसके लिए इसका लिया है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, और कॉलम हमने क्या लिए, 1 से लेकर 2 तक, ओके, इसमें से हमने स्लाइसेस निकाली 2, 3 एंड 6 एंड 7, ये एलिमेंट हमने निकाल लिए और ये हमारा क्या बन गया, एरे बी, फाइन। तो हमने उसके बाद क्या किया, प्रिंट करा दिया ए को और प्रिंट करा दिया बी को, तो आप सिंपल यहाँ पे देखो ये हमारा एरे ए है और ये हमारा एरे बी है, फाइन। अब आपने क्या किया, बी में एलिमेंट्स लिया 0, 0 पर, इंडेक्स वैल्यू पे आपने क्या इनिशियलाइज कर दिया, 20, ठीक है, तो बी का 0, 0 क्या है, यहाँ पे पहले बी का 0 एंड 0, 0 रो एंड 0 कॉलम पे क्या था, 2 था, फाइन। अब आपने अब क्या कर दिया है, 20 कर दिया है, ओके। तो अब आप प्रिंट करोगे ए, तो आप क्या देखोगे, जब आप प्रिंट करोगे ए, ओके, इसके 0 एंड 1 इंडेक्स पे आ गया आपका 20, फाइन, और आपके आपने प्रिंट किया बी,
इसके 0 0 इंडेक्स पे क्या आ गया 20। फाइन, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो आपने एरे की स्लाइस बनाई है उसमें एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। फाइन, ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ नंपाई। ओके, नाउ टिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एट योर होम।